बर्मा माइंस लाल बाबा फाउंड्री की 70 डिसमिल जमीन को आज कब्जा मुक्त कराया जाएगा। कार्रवाई के दौरान सुरक्षा विधि व्यवस्था, स्थानीय और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता कार्यकर्ताओं के विरोध को देखते हुए पर्याप्त संख्या में सशस्त्र पुलिस बल, महिला बल की तैनाती की गई है। पुलिस प्रशासन की टीम को बर्मा माइंस थाना में रिपोर्ट करने को कहा गया है। बर्मा माइंस लाल बाबा फाउंड्री की चिन्हित की गई है 70 डिसमिल जमीन से अतिक्रमण हटाने को लेकर के टाटा स्टील प्रबंधन ने कोर्ट के साथ साथ जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन से भी संपर्क किया। वही तोड़फोड़ के विरोध में बस्ती वाले सड़क पर उतर गए हैं। हालांकि सुरक्षा का भी काफी व्यवस्था है, पुलिस को भी तैनात किया गया है ताकि किसी प्रकार की भिड़ंत ना हो। पर्याप्त संख्या में सशस्त्र पुलिस बल, महिला पुलिस बल को तैनात किया गया है। स्थानीय लोगों के साथ राजनीतिक दल के नेता भी मौजूद हैं। तोड़फोड़ के विरोध में बस्ती वालों में कोर्ट में आपत्ति जताई है। जमशेदपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। लाल बाबा फाउंड्री में अतिक्रमण को हटाने के लिए बड़ा एक्शन आज दिया जाएगा। पर्याप्त संख्या में सशस्त्र पुलिस बल को तैनात किया गया है, महिला पुलिस की तैनाती की गई है। स्थानीय लोगों के साथ राजनीतिक दल के नेता भी विरोध में खड़े हैं। तोड़फोड़ के विरोध में बस्ती वालों ने कोर्ट में का दरवाजा भी खटखटाया है। जमशेदपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। 70 डिसमिल जमीन को आज कब्जा मुक्त कराया जाएगा और इसको लेकर के वहां के जो लोग हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध में उतरे हुए हैं। हालांकि राजनीति के जो दल के नेता हैं वो भी विरोध में उतरे हुए हैं। तोड़फोड़ के विरोध में बस्ती वाले में ने कोर्ट में आपत्ति जताई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर कोर्ट का क्या कुछ फैसला है, लेकिन कोर्ट के फैसले के बाद ही अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि काफ़ी समय से यहाँ पर लोग बसे हुए हैं, यहाँ पर लोग काम कर रहे हैं और ऐसे में उन्हें परेशानी ज़रूर होगी, लेकिन अब कोर्ट के ऑर्डर के बाद ये अतिक्रमण हटाया जा रहा है और ऐसे में जो स्थानीय लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं। हालांकि राजनीतिक दल के नेता भी इस विरोध में सामने आए हैं। 70 डिसमिल जमीन को आज कब्जा मुक्त कराया जाएगा। पर्याप्त संख्या में सशस्त्र पुलिस बल, महिला बल की तैनाती की गई है। स्थानीय लोगों के साथ राजनीतिक दल के नेता भी इस विरोध में खड़े हैं। तमाम जानकारी के लिए जमशेदपुर से इस वक्त हमारे साथ प्रभात जुड़ रहे हैं। प्रभात, अतिक्रमण हटाने को लेकर के आज अतिक्रमण हटाया जाएगा, इसको लेकर के लोग भी विरोध कर रहे हैं, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? बिल्कुल निशु, देखिए जो बर्मा माइंस का जो लाल बाबा फाउंड्री है उसके 70 डिसमिल जमीन को अतिक्रमण मुक्त करने को लेकर आज अंतिम दिन है और आज प्रशासन के द्वारा यहां से अतिक्रमण हटाने की बात कही। आप मेरे पीछे देखिए, मेरे सहयोग कहूंगा, कैमरा थोड़ा ऊपर करके दिखा, देखिए सभी राजनीतिक दल, चाहे वो कांग्रेस हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, भाजपा हो, सभी राजनीतिक दल के लोग यहाँ पहुंचे हैं। साथ ही अगर आप व्यवसाय संघ की अगर बात करें तो जो व्यवसाय संघ जो है यहाँ पर कैलाश नगर व्यवसाय संघ है वो यहाँ पर ही रोड पर उतरा है और बड़ी संख्या में बस्ती के लोग हो चाहे जो व्यवसायी वर्ग है वो यहाँ रोड पर उतर कर इसका विरोध कर रहा है। हालांकि अभी तक जो अतिक्रमण हटाने की बात कही जा रही थी, हटाने की को लेकर जो आने वाले थे वो यहाँ पे नजर नहीं आ रहे। देखिए यहाँ पे ये जो व्यवसायी संघ के लोग हैं वो यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जितने व्यवसायी संघ है वो यहाँ पे नजर आ रहे हैं। टाटा लीज से बाहर करो, तो ये देखिए एक व्यापारी है। आप लोग किस तरीके से विरोध कर रहे हैं आज जो अतिक्रमण हटाने की बात हो रही है 70 डिसमिल जमीन को? पिछले 50 वर्षों से हम लोग यहाँ बसे हुए हैं, हम लोग का 2-3 पीढ़ी यहाँ समाप्त हो गया है और आज टाटा स्टील बोलती है हमारी जमीन है, हम लोग यहाँ 50 वर्षों से हैं, आप ही बताइए हम लोग कहाँ जाए हैं। शांति पूर्वक हम लोग विरोध कर रहे हैं ताकि हमारा प्रस्तावन दुकान बच सके और हमारे बाल बच्चा यहाँ से जी खा रहे हैं, हमारे मजदूर भाई जी खा रहे हैं, सब लोग सुख शांति से रह सके। किसी कीमत पर पुट में नहीं देंगे, हम लोग बेघर होंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? देखिए ये व्यवसायी हैं और किसी कीमत पे टूटने नहीं देंगे बोल रहे हैं और अभी व्यवसायी हैं। आज 70 डिसमिल जमीन को हटाने की बात की जा रही थी, आज अतिक्रमण मुक्त करने की बात की, अतिक्रमण हटाने की बात कर रहे, किस तरीके से विरोध कर रहे हैं आप? देखिए सबसे पहले तो है कि आपके माध्यम से टाटा स्टील प्रबंधन और जिला प्रशासन को ये ध्यान में आकर्षित करने की बात रहता हूँ कि ये केस का मामला टाटा स्टील और लाल बाबा फाउंड्री से है और ये विवाद कई वर्षों से
कानूनी लड़ाई दोनों के बीच में चल रहा है, लेकिन इसकी जानकारी टाटा स्टील के लोगों के द्वारा टाटा फाउंड्री में जो बसे हुए जितने भी व्यवसायी हैं और ये जितने भी रिहायशी इलाके में, उनको कभी भी नोटिस के माध्यम से, लिखित माध्यम से नहीं दिया गया। आज आप लोग ये बारे तो बातें आ गई है, लेकिन आज आप लोग किस तरीके से विरोध कर रहे हैं? आज विरोध है कि भाई अगर जबरन किया जाएगा टाटा स्टील के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, तो आप देख रहे हैं कि कितनी बड़ी संख्या में लोग, हजारों की संख्या में बस्ती के मुखी समाज के लोग, कैलाश नगर के लोग, अन्य सटे हुए जितने बस्ती के लोग हैं, वो व्यवसायी वर्ग को सपोर्ट करने के लिए रोड पर उतरे हैं और उसके लिए जो भी करना होगा वो कहीं करेंगे हम लोग। बिल्कुल, देखिए व्यवसायी जो भी करना होगा वो करेंगे। एक बार सभी कहूंगा कि कैमरा ऊपर उठा के दिखाए किस तरीके से पूरी रोड, अगर हम बात करें जो लाल बाबा फाउंड्री का जो क्षेत्र है, पूरी तरीके से कहे तो लोगों से पूरा भरा पटा है, चाहे वो बस्ती के लोग की बात करें या फिर व्यवसायी वर्ग की बात करें या फिर राजनीतिक दल की बात करें, वो जितने लोग हैं वो यहाँ पर नजर बना रखिएगा, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं, जमशेदपुर से सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अब अतिक्रमण हटाया जाएगा कोर्ट के फैसले के बाद, लेकिन वहां के स्थानीय लोग विरोध में उतर गए हैं। माइंसलाल बाबा फाउंड्री के 70 डिसमिल जमीन को आज कब्जा मुक्त कराया जाएगा। कार्रवाई के दौरान सुरक्षा विधि व्यवस्था, स्थानीय और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता कार्यकर्ताओं के विरोध को देखते हुए पर्याप्त संख्या में सशस्त्र पुलिस बल, महिला बल की तैनाती की गई है। पुलिस प्रशासन की टीम को बर्मा माइंस थाना में रिपोर्ट करने को कहा गया है। बर्मा माइंस लाल बाबा फाउंड्री की चिन्हित की गई 70 डिसमिल जमीन से अतिक्रमण हटाने को लेकर टाटा स्टील प्रबंधन ने कोर्ट के साथ साथ जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन से संपर्क किया गया है। लोगों की भीड़ जमा हो गई है और ऐसे में सुरक्षा का भी व्यवस्था किया गया है। बड़े पैमाने पर पुलिस बल को तैनात किया गया है, महिला पुलिस बल को तैनात किया गया है। जमशेदपुर में इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही, जमशेदपुर से लाल बाबा फाउंड्री से अतिक्रमण आज हटाया जाएगा। 70 डिसमिल जमीन को कब्जा मुक्त कराने की कवायद शुरू है। पर्याप्त संख्या में सशस्त्र पुलिस बल, महिला बल तैनात है। भारी संख्या में लोगों की भीड़ जुटने लगी है। स्थानीय लोगों के साथ साथ राजनीतिक दल के नेता भी इसके विरोध में खड़े हो गए हैं। तोड़फोड़ के विरोध में बस्ती वाले में कोर्ट में आपत्ति जताई है। बर्मा माइंस लाल बाबा फाउंड्री की 70 डिसमिल जमीन को आज कब्जा मुक्त कराया जाएगा। कार्रवाई के दौरान सुरक्षा विधि व्यवस्था, स्थानीय और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता कार्यकर्ताओं के विरोध को देखते हुए पर्याप्त संख्या में सशस्त्र पुलिस बल, महिला बल की तैनाती की गई है। पुलिस प्रशासन की टीम को बर्मा माइंस थाना में रिपोर्ट करने को कहा गया है। बर्मा माइंस लाल बाबा फाउंड्री की चिन्हित की गई 70 डिसमिल जमीन से अतिक्रमण हटाने को लेकर टाटा स्टील प्रबंधन ने कोर्ट के साथ साथ जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन से संपर्क किया। लोगों की भीड़ जमा हो गई है। 70 डिसमिल जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने की कवायद अब शुरू हो चुकी है। भारी संख्या में लोग जुटे हुए हैं। हालांकि राजनीतिक दलों के नेता भी विरोध में प्रदर्शन में खड़े हो गए हैं। तमाम जानकारी के लिए जमशेदपुर से इस वक्त हमारे साथ प्रभात जुड़ चुके हैं। प्रभात, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही, क्या कुछ तस्वीरें बयां कर रही है आम जनता? तो अतिक्रमण हटाने का विरोध तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ राजनीतिक दल के नेता भी इसमें कूद गए हैं। बिल्कुल निशु, देखिए क्योंकि राजनीतिक दल की बात करें या फिर चेंबर की बात करें, सभी लोग इसके विरोध कर रहे हैं, क्योंकि 10,000 लोगों की रोजी रोटी का सवाल है, 10,000 लोगों का पेट का सवाल है। इसलिए राजनीतिक पार्टी के साथ आम आदमी भी, आप मेरे पीछे देखिए कितना बड़ा हुजूम है यहाँ पे, आप देख सकते हैं कि सभी वर्ग के लोग, चाहे वो बस्ती के लोग हो, चाहे कैलाश नगर बस्ती के लोग हो, या फिर जो व्यवसायी वर्ग है वो हो, चेंबर के सदस्य हो, या राजनीतिक दल के, सभी राजनीतिक दल के यहाँ पे लोग यहाँ पर आप इनके समर्थन में पहुंचे हुए हैं, क्योंकि 10,000 लोगों की पेट का सवाल है और पिछले 50 वर्षों से लोग यहाँ पे रोजगार कर रहे थे। ये बातें सही है कि टाटा स्टील ने न्यायालय से ये अपना पक्ष में, न्यायालय ने इनके पक्ष में ये दिया है, आदेश दिया है कि इसे हटाना है, लेकिन कहीं ना कहीं 10,000 लोगों का सवाल उठता है और इतने बड़े उद्योग चलते हैं यहाँ से, तो इसे तोड़ने की जो कवायद आज से शुरू करनी थी, 70 डिसमिल जमीन जो है वो हटाने की बात की जा रही थी। तो तमाम जो व्यवसायी वर्ग है यहाँ पर, यही ये लाल बाबा फाउंड्री है, यहाँ पे आपको मेरे सहयोगी दिखा रहे होंगे, यही वो क्षेत्र है जहाँ से अतिक्रमण को हटाने की बात कर रहे थे। व्यवसायी है हमारे साथ, आप लोग किस तरीके से विरोध कर रहे हैं और कहाँ तक जा सकते हैं? हम लोग किसी भी हद से जा सकते हैं और एक भी ईंटा टूटने नहीं देंगे, नहीं या प्रशासन को भटकने देंगे।
सवाल ये उठती है कि आज जो टाटा स्टील का जिस तरह से सुनने में आ रहा है कि टाटा स्टील इस पर कब्जा करना चाह रही है, तो उनका हक क्या बनता है? किस आधार पर इसको कब्जा करना चाहती है? क्या टाटा स्टील ने इतने व्यापारियों को कभी अलॉटमेंट किया है या रजिस्ट्री किया है? ये लाल बाबा फाउंड्री एक हुआ करती थी नर्सिंग इस्पात से, उन्होंने ऑक्शन में लिया था, ऑक्शन में लेने के पश्चात उन्होंने सभी को अपने लीज पे दिया हुआ। क्या टाटा स्टील ने कभी किसी व्यापारी को नोटिस तक दिया विदाउट पीरियड नोटिस? कैसे हम लोग समझे कि टाटा स्टील इस पर कब्जा करना? इस तरह का माहौल को, खासकर पूजा उत्सव पे इस तरह के शहर को अमन चैन को शांति भंग करना चाह रही है टाटा स्टील, जो बहुत ही अनुचित है। इसको आप लोग अगर नहीं, अगर रुकती है सरकार, कदम नहीं उठाती है, अगर जनता का सहयोग नहीं कर रही है, तो इसका अंजाम बहुत ही किसी भी हद तक लोग जाने के लिए तैयार है। बिल्कुल, देखिए व्यवसायी है ये बता रहे हैं, मैं चैम्बर के जो अध्यक्ष है उनसे भी प्रयास करता हूँ, उनका भी राय जान लेता हूँ एक बार, जो चैम्बर के अध्यक्ष है उनकी भी राय जान लेते हैं। देखिए यहाँ तमाम जो व्यवसायी वर्ग है यहाँ पे बैठे हुए हैं, यहाँ तमाम जो व्यवसायी वर्ग चैम्बर के सदस्य हैं उनसे भी एक बार जान लेते हैं कि सपोर्ट में आ गया है। थोड़ा सा खड़ा हो जाए सर, किस तरीके से आप लोग इनका समर्थन करें, क्योंकि 10,000 लोगों की रोजी रोटी का सवाल है। देखिए व्यापारी सड़क पर उतरना नहीं है, और अगर व्यापारी सड़क पर उतरते हैं तो ये शासन के लिए, शासक के लिए चिंता का विषय और निंदा का विषय है। हमारा काम, व्यापारी वर्ग का काम है अपने लिए रोजगार का सृजन करना, कर्मचारियों के लिए रोजगार का सृजन करना, और अलाइड सर्विसेज मजदूर वर्ग हैं, टेम्पो वाले हैं, ट्रक वाले हैं, ठेले वाले हैं, उनके लिए व्यापार का सृजन करना, और सब एक कड़ी है। व्यापारी वर्ग राज्य और राष्ट्र के सर्वांगीण विकास में अहम योगदान देते हैं, तन मन धन से यथाशक्ति हर जगह सहयोग करते हैं, चाहे वो मंदिर हो, चाहे धर्मशाला हो, चाहे कोरोना काल में विभिन्न सेवाएं हो। जब कोरोना काल में पूर्णतः लॉकडाउन था, व्यापारी वर्ग अपने स्तर से यहाँ के चाल जमशेदपुर से गिर दिस्ती 40-40 किलोमीटर तक भोजन प्रदान करने के लिए जाया करते थे। जिस तरीके से यहाँ पर बताया गया कि माननीय न्यायालय का आदेश आया है और ये एक्सपार्टी ऑर्डर आया है, जो प्रभावित लोग यहाँ पर है उनका पक्ष भी नहीं लिया गया, उनका पक्ष भी नहीं सुना गया, तो ये कहीं से भी न्याय संगत और तर्क संगत प्रतीत नहीं होता प्रथम दृष्टा में। भारत का संविधान ये कहता है कि हर व्यक्ति को, हर नागरिक को, उनको अपना पक्ष रखने का अधिकार है। हम सभी माननीय न्यायालय का सम्मान करते थे, करते हैं और आगे भी करते रहेंगे, परंतु जो लोग इससे डायरेक्टली इफेक्टेड होने वाले हैं उनको अपना पक्ष पूर्णतः रखने का एक उचित अवसर मिलना चाहिए। 10,000 लोग करीबन बताया जा रहा है कि यहाँ पर प्रभावित होने वाले हैं, जिन जब से ये ऑर्डर आया है उन लोगों की रात की नींद उड़ी हुई है, उनके बच्चे का भविष्य संकट में है। हम व्यापारियों के साथ हैं, हमारे व्यापारी, कई व्यापारी यहाँ पर हमारे सदस्य हैं। प्रभात, ऐसे में देखिए ये चैम्बर के अध्यक्ष थे, और प्रभात ऐसे में सवाल इनसे ये भी कीजिए कि पहले से क्या इनको जानकारी नहीं था? कोर्ट का जब ऑर्डर आया तो क्या इनको जानकारी नहीं था अवैध अतिक्रमण वहाँ पर किया जा रहा था? आज नहीं तो कल तो हटना ही था। बिल्कुल, मैं कोशिश करता हूं जो व्यापारी है उनसे जान लेता हूं, कि जो व्यापारी वर्ग जो बैठे हैं वहां उनसे एक बार बात कर लेता हूं, क्योंकि वो ज्यादा अच्छे बताएंगे, क्योंकि ये जो चैम्बर के सदस्य थे और उनका साफ कहना है कि हम व्यापारियों के साथ हैं और किसी भी कीमत में हम व्यापारियों के साथ में रहेंगे, और टाटा स्टील जिस तरीके से कर रही है उसका हम विरोध करें, क्योंकि एक्स पार्टी ये निर्णय आया है। देखिए व्यापारी, हम व्यापारी से ही जान लेते हैं। देखिए एक्स पार्टी जो निर्णय आया है तो इसकी जानकारी आप लोगों को पहले नहीं थी? हम लोग को एक भी थोड़ा सा का भी जानकारी नहीं था। हम लोग को मालूम चला मतलब दो एक दिन पहले कि इस तरह से इसे टूटने वाला है, तब जाकर हम लोग जागरूक हुए हैं, फिर हम लोग अपना सब कुछ विचार करके किसी भी तरह से फिर हुआ कि नहीं भैया इस तरह से कोई भी टाटा कंपनी का दादागिरी को नहीं चलने देंगे। देखिए निशो, इनका कहना है कि जब ये आदेश आया तो इसकी जानकारी इन व्यापारियों को नहीं थी, क्योंकि जो एक्स पार्टी जो निर्णय दिया गया है, चूंकि जो लाल बाबा थे वो उनके खिलाफ में टाटा स्टील ने न्यायालय में मामला दर्ज कराया था, वो मामला चल रहा था, और कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जो व्यापारी है, व्यापारियों को दो दिन पहले यानी कि 25 तारीख की सुबह ये जानकारी, वो भी थाने के माध्यम से, जब थाने को सूचना दी गई कि आपको बल देना है इसे अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए, तब जाकर इन व्यापारियों को मालूम चला, और तब जाकर इन व्यापारियों का कहना है कि हमें भी समय दिया जाए, हमारा भी पक्ष सुना जाए न्यायालय में, ताकि हम अपने पक्ष को भी रख सके, क्योंकि एक्स पार्टी न्यायालय में टाटा स्टील के तरफ से जो टाटा स्टील के पक्ष में दिया है, तो इनका साफ कहना है कि हमें भी समय दिया जाए,
और इसी की मांग वो लगातार भी कर रहे हैं। प्रशासन से रखेगा, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो आम लोग सड़क पर उतर गए हैं विरोध करने के लिए, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग भी उतर चुके हैं और हालांकि राजनीतिक दलों के नेता भी उतर चुके हैं विरोध में कि टूटने नहीं दे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।